अमेरिका में ट्रैफिक की टिकट, पार्किंग की टिकट, चार्जेस जो लगते हैं ना उसको टिकट बोलते हैं। मेमो आपने इंडिया में कैसे है? भारत में। तो अभी हमारा इंडिया भारत है, भारत ही था, भारत भानु सूर्य जो ज्ञान के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को के कार्य में रत है और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में पूरे पृथ्वी पर फैलाने में व्यस्त है वसुधैव कुटुम्बकम, उसका नाम भारत है। तो जय हिंद जय भारत। नमस्ते मैं YouTube फैमिली, मेरा नाम धैरा है, धैरा USA व्लॉग्स में एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केम छो बता, कैसे हो आप सब? आज नव्या का फर्स्ट जिम्नास्टिक क्लास है, प्री स्कूल जिम्नास्टिक। तो अभी सुबह के बजे 11, आज 15 सितंबर है और मेरे पापा का बर्थडे भी है। तो चलिए अभी आज मैं आपको अमेरिका की स्कूल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल किस तरह की होती है वो दिखाऊंगी और समझाऊंगी और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊंगी। तो आज का वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है टू द स्कूल ऑफ USA, अमेरिका की स्कूल। तो तो एक बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ मैं कि जब भी मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे जब ब्रेक लगाते हैं हम कार में या फिर दो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो ब्रेक लगाते हैं फिर से स्पीड लेते हैं एस्केलेटर ऊपर पग रख के, तो जिंदगी भी ऐसी है। ऐसा नहीं लगता आपको कि हर टाइम हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी फास्ट ही चले? क्योंकि अमुक टाइम पे आपको ब्रेक लगानी ही पड़ती है, क्योंकि गाड़ी में भी अगर ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? तो जिंदगी में जब भी कोई मुश्किली आती है, कोई स्ट्रगल संघर्ष आता है, तो वो ब्रेक के समान होता है। उससे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि ये संघर्ष से हमारी जिंदगी में जो एक्सीडेंट होने वाला था वो बच गया, वो रुक गए हम। तो स्लो हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, तो अपनी जिंदगी को आप पॉजिटिव वे से देखें। हाँ, चलो हाथ पकड़े नवियानो। तो आज की वीडियो में आप देख रहे हो जिम्नास्टिक स्कूल USA में। स्कूल का पूरा आपको मैं कॉरिडोर, इंडोर आउटडोर सब दिखाने वाली हूँ। और देखो पानखर फूल आ गई है। 9 से 11:30 बजे ढाई घंटे आती है। आज 11:30 से 12:30 जिम है। ये जिम का पार्क, ये स्कूल का पार्क है, ये लाइब्रेरी है। आप स्कूल के बारे में भी, अमेरिका की स्कूल के बारे में कोई भी अगर न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो न्यूज़ में तो आपको पता है कितनी रियलिटी होती है और कितनी वो लोग सब मसाला भी देते हैं, पर मैं आपको रियल ऑन द ग्राउंड जीरो से दिखाती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी र्यूमर्स या थ्रेट आ जाए ना, तो पुलिस यहाँ पे पूरा वो कर देती है, बैरिकेड कर देती है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था। निकले बधी कार माटी माथी। तो देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही वो इंसिडेंट बना था कि यहाँ पे स्कूल में कुछ थ्रेट थी। तो थ्रेट मतलब कि कुछ अनवांटेड मटेरियल स्कूल में से स्कूल में रखा है, बॉम्ब जैसा। तो सब बच्चों को पूरा ड्रिल टाइप का आप कह सकते हो कि पूरा बिल्डिंग इवेक्यूट कर दिया था। तो अभी तो पूरा सेफ है, पूरा बंदोबस्त यहाँ पे पुलिस का लगा है। तभी पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आते हैं स्कूल, तभी भी साइन लेते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, पेरेंट्स के सिवा मदर या फादर जो भी, और गार्डियन जो अपॉइंटेड गार्डियन होता है उसके द्वारा ही उसको ही बच्चे को सौंपते हैं। और कोई थर्ड पर्सन को यहाँ पे बच्चे को नहीं देते हैं ले जाने के लिए। आईडी कार्ड चाहिए होता है पेरेंट्स का आईडी। देखो ये ऑटोमेटिक वो दरवाजा है ना, वो स्विच दबाई, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड जो व्हीलचेयर के लोग होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग, उसके लिए ध्यान में रखकर सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया होता है। देखो यहाँ पे नव्या लास्ट ईयर नव्या का क्लास इस तरफ था, अभी उस तरफ होता है। तो चलिए नव्या, आज फर्स्ट डे ऑफ जिम्नास्टिक। 1, 2, 3 ये पूरा यहाँ पे स्नैक का भी होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी है और ये पूरा कॉरिडोर है उस तरफ है, उसका जिम्नास्टिक क्लास अभी स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एग्जिट है,
सैनिटाइजर के बूथ भी ठेर ठेर लगे होते हैं स्कूल में। और मैं आपको ये एक बताती हूँ, इस तरह से करके ये डोर ओपन हो जाता है। और ये पार्क जो कि मैंने आपको जाते समय दिखाया था, मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुझे पता है हो गया है। और टेस्ला के यहाँ पे अमेरिका में तो टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन और भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन इस स्कूल के पार्किंग में, मॉल के पार्किंग में, ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग में होते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये पीछे आप देख रहे हो टेस्ला का चार्जिंग स्टेशन है, नव्या की स्कूल है सामने और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स स्कूल छोड़ने आए फिर स्कूल के वहाँ पे बैठ के कॉरिडोर में बैठ के वर्क करना चाहते हैं अपना ऑफिस का, तो यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग में रख के वो वर्क करने जा सकते हैं अंदर। तो कितना कन्वीनियंट रहता है। वो टेस्ला का था और ये जनरल इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग ओनली। तो यहाँ पे देखो ये चार्जिंग स्टेशन है, देखो इस तरह के चार्जिंग स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। और यहाँ पे जो गाड़ी है ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही पार्क हो सकती है और कोई नहीं। और ये फ्री होता है ये चार्जिंग, कोई भी यहाँ पे वो चार्जेस नहीं होते। देखो ये टेस्ला का, तो इस तरह के बाकी के जो है वो नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन होते हैं। और आपको मैंने वो भी दिखाया था कि जो स्पेशली एबल्ड लोगों का चार्जिंग पार्किंग होता है, देखो इस तरह की साइन होती है। तो यहाँ पे ओनली स्पेशल एबल लोग ही पार्क कर सकते हैं। अगर नॉर्मल पीपल ने यहाँ पे पार्क की तो चार्ज लगता है। और जो गाड़ी होते हैं तो फिर उसकी गाड़ी में भी स्टिकर लगा होता है कि वो स्पेशली एबल लोगों की गाड़ी है। तो देखो इस तरह से अंदर भी स्टिकर है और उसने यहाँ पे पार्क किया है तो उसको $250 फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड पर्सन है जिन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। तो बोर्ड भी यहाँ पर होर्डिंग भी लगाया होता है और इस तरह की साइन भी होती है। और इस तरह का यहाँ पे जैसे नो पार्किंग का कैसे होता है, इस तरह से रिजर्व पार्किंग का लिखा होता है। $250 फाइन है अगर आपने यहाँ पे कर दी पार्क तो। और वो टिकट आ ही जाती है यहाँ पे, फाइन को टिकट कहते हैं। कि भारत में जैसे मेमो होता है पार्किंग का, मेमो टिकट वो लगती है चार्जेस, वैसे USA में टिकट बोलते हैं। तो अगर आपने गलत जगह पे पार्क कर दी तो आपको टिकट मिलेगी आपकी गाड़ी को, वहाँ पे पुलिस लगा के चली जाएगी टिकट और फिर आपको पे करनी है। ज़्यादा बड़ी टिकट होगी तो कोर्ट में भी अपीयर होना पड़ता है, कोर्ट में भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप फॉलो करो तो आपकी लाइफ ईजी है, फॉलो ना करो तो फिर आपको पैसे भरने हैं, फिर वो लीगल फॉर्मेलिटी सब पूरी करनी होती है। पर सब लोग मैक्सिमम अपवाद सब जगह पे होते हैं पर यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। क्वेश्चन आता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबर में बहुत अच्छा रहता है USA में, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया नहीं है। कार मतलब फैक्ट्री पर्पज से यहाँ पे नहीं होता, स्कूल कॉमर्स ये रेसिडेंशियल एरिया सब पीसफुल होता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा रहता है, बिलो 30 रहता है, 30 के नीचे रहता है। कभी कभी अब जाता है जब फायर वर्क्स आतिशबाजी की सिचुएशन होती है तब, बाकी बहुत ही क्लीन रहता है वेदर, आप देख ही सकते हो। आकाश एकदम क्लीन है, एक भी बादल नहीं है, ऊपर ब्लू नीचे ग्रीन है ना, एकदम सुंदर वेदर। 20-25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। स्कूल का कॉरिडोर अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट स्कूल शेयर कर रही हूँ, उसकी फीस के बारे में भी आगे बताने वाली हूँ मैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। धरा USA व्लॉग्स को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए हर एक लिंक को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट एंड ब्लेसिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल की ही लाइब्रेरी में, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट स्कूल है, जिसकी फीस के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि बहुत रीजनेबल फीस होती है डिस्ट्रिक्ट स्कूल की, और आपके घर के 5 माइल 10 किलोमीटर के एरिया में होती है। और ये स्कूल की नव्या की मंथली फीस है $130 मंथली फी, और जिम्नास्टिक के अलग चार्जेस होते हैं। और लाइब्रेरी जो टैक्स आप पे करते हो उसमें आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। तो अभी मैं लाइब्रेरी के अंदर जा रही हूँ, तो चलिए आप भी आ जाइए। स्कूल का जो गेट था ना उसी तरह से ही यहाँ पे स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए बटन है, बच्चे भी क्लिक करते हैं तो कि अपने आप ही दरवाज़ा खुल जाएगा। ये मैंने किया क्लिक और ये दरवाज़ा खुल गया, लाइब्रेरी है तो अभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा यहाँ से है। ये आज क्लोज्ड है स्टाफ डेवलपमेंट डे की वजह से, फ्राइडे सितंबर 15 को लाइब्रेरी क्लोज है। पर ये लाइब्रेरी भी मैं आपको दिखाती हूँ, पर आज का वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है तो मैंने सोचा मैं दिखाऊंगी। पर कुछ यहाँ पे अंदर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है
और ये लाइब्रेरी के रिटर्न यहाँ पे बुक आप कर सकते हो, और मैन्युअली नहीं, आपको किसी पर्सन के पास जाना होता है, यहाँ पे भी आप आइटम लाइब्रेरी रिटर्न कर सकते हो। और यहाँ से एग्जिट डोर है, और यहाँ पे सब लाइब्रेरी के इवेंट के बारे में और सब लिखा है। तो चलिए मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। तो ये लाइब्रेरी का कॉरिडोर है, बुक रिटर्न बाहर से भी अवेलेबल है। कोविड के बाद वो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस सब कर दिया है, ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में कम आते हो आप। तो ये सामने हो गया लाइब्रेरी का पार्किंग, उस तरफ मैंने इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला जो दिखाया वो स्कूल का पार्किंग था। तो जब वो पार्किंग फुल होता है तो यहाँ पे पार्क करते हैं लोग। तो जितना बिल्डिंग होता है उससे ही ज़्यादा, उससे भी बड़ा पार्किंग होता है, क्योंकि अंदर बिल्डिंग में जितने लोग हैं उतने ही बाहर पार्क करने वाले होंगे, राइट। ये बहुत कॉरिडोर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, हर एक सीजन के अपने अपने फ्लावर्स लगाते हैं ये लोग। सिटी प्लांटर डिपार्टमेंट अलग ही होता है, झाड़ पान की मुआवजत करने वाले डिपार्टमेंट, लाइक 24 घंटे यहाँ पे उसकी वो ड्यूटी रहती है। सीज़न सीज़न के हिसाब से स्नो होगा तो स्नो क्लीन करने आएंगे, पब्लिक पार्क पब्लिक एरिया की बात कर रही हूँ, अपने अपने घर की स्नो क्लीनिंग और गार्डनिंग की किसी जवाबदारी तो ओनर की होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की जवाबदारी गवर्नमेंट की रहती है, और प्रजा पब्लिक उसको सपोर्ट कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि कचरा ना फैलाना वो तो पब्लिक के हाथ में है। फूल के कलर, ओटम पानखर के कलर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। जिंदगी जैसा ही, ये हमारी ज़िंदगी भी ये प्रकृति के जैसी ही है, पहले हरी भरी, फिर थोड़ा अगर स्ट्रगल का समय आता है हर एक की ज़िंदगी में, तो स्ट्रगल के पहले भी हमारी ज़िंदगी में रंग तो खिलते ही है, फिर पानखर होती है, फिर सब पत्ते फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर से स्प्रिंग आती है, वसंत आती है, और सब फिर से हरा भरा खिलने लगता है। तो प्रकृति की साइकिल, प्रकृति की जो पूरा चक्र है, वैसा ही हमारी ज़िंदगी का चक्र है। आपको कैसे क्या लगता है, मुझे ज़रूर आपके विचार भी लिख के बताइए, मुझे अच्छा लगेगा उसे पढ़ना, और आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं वीडियो में आप सबका नाम लेके। जिम का ग्लिम्स दिखाती हूँ, उसका जिम का डोर तो बंद होगा, तो यहाँ पे एक बार वो भी है कि सिक्योरिटी के लिए बच्चे का जब स्कूल ओवर स्टार्ट हो जाता है ना, तब लॉक डोर लॉक कर देते हैं, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति वो डोर के अंदर ना जा पाए, क्लास का डोर बंद होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल होती है एलिमेंट्री प्री लाइक प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे तो स्कूल का मेन गेट ही बंद हो जाता है आफ्टर 9 o'clock। तो जिमनास्टिक एरिया है, और नव्या अंदर आपको दिखेगी हो रही। ये ओपन जिमनास्टिक है स्कूल के दौरान, नव्या ये यहाँ पे खेलने के लिए आती है, और आज एनरोल्ड जिमनास्टिक है जो कि रजिस्टर्ड किया है। ये स्कूल का कॉरिडोर आपको मैंने दिखाया, तो रेस्ट रूम, वॉशरूम, बाथरूम भी बहुत ही यहाँ पे हाइजीन और क्लीन होते हैं। प्री स्कूल के बच्चों के लिए छोटी टॉयलेट सीट वाले होते हैं, और स्टूल होता है बाथरूम में भी हैंड वॉश करने के लिए, वो सिंक तक पहुँच पाए, तो वो मैं आपको एक ऐड करना चाहती थी। तो रेस्ट रूम का आपने पोर्ट देखा ना, तो वो अंदर से भी मैं आपको हर कई बार दिखाती हूँ। मेरे भी आप मूवी में और नेटफ्लिक्स में और OTT प्लेटफॉर्म पे जो अमेरिका की छवि देखते हो, तो लाइक सब कुछ उसमें रियल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सोम से शुक्र लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, किसी को किसी की ज़िंदगी में दखल देने की फुर्सत ही नहीं है, केयर ज़रूर करते हैं। ऐसी भी आपको सबको मिसकंसेप्शन होगा, वो धारणा होती है कि अमेरिका में कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करता, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंजर पर्सन भी यहाँ आपके सामने स्माइल कर रहा है, लंबा ना हो जाए, जितना मुझे हो सकता था मैंने पूरा कवर कर लिया, गवर्नमेंट ये डिस्ट्रिक्ट स्कूल की फीस से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग, इंडोर कॉरिडोर, आउटडोर कॉरिडोर, पार्किंग लाइक स्कूल का पार्क, किड्स पार्क एरिया, सेफ्टी इश्यू, लाइब्रेरी का बिल्डिंग, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है ये वीडियो में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आज है 15 सितंबर 2023, वार है शुक्रवार, अभी बजे हैं 12:15, दोपहर के 12 बजने वाले हैं।
और इसी तरह आप हमारे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देखिए, और मैं नए नए वीडियो इसी चैनल पे लेके आऊंगी धरा यूएसए व्लॉग्स में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम।